मित्र राज के आपका गुंचा दिल खुशियों से शादाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नहीं दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा वो टॉपिक्स जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन है बकवास। ये टॉपिक ड्रामेटिक भी है, स्टूपिड भी है और फनी भी है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जिनमें मलाला उर्फ दलाला, हानिया उर्फ वानिया और अलीजे शाह उर्फ उसकी क्या है मंशा भी शामिल है। तो बगैर टाइम जाए कि ये बकवास शुरू करते हैं, लेकिन इस बकवास में मैं अकेला शामिल नहीं हूँ। क्या? ओ भैया 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 गरीबा भैया, चलो जी शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। अच्छा, खूबसूरत दिल से होना चाहिए। हाँ। अपना पिक सेंड करो ना, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। सुंदर फेस से नहीं, दिल से होता है। ये पिक है, नाइस पिक, बाय। ये वो वाहद औरत है जिसको बराबर के हकूक मिले। मी एंड माई हबी। ये दोनों मियां बीवी हैं। तू मेरा पुत्र छोटी का। ये सब कंजर खुद को चौधरी क्यों कहलवाते हैं मुर्शद? पता नहीं चौधरी साहब। सारा चौधरी, शीला चौधरी, निदा चौधरी। चौधरी साहब कोई अगर देख रहा है तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है। वो पोस्ट है, जिसे जस्ट अ पोस्ट। वो उसका रिप्लाई ओपी था, ओनली लेजेंड्स कैन गेट दिस। ये इसका मोबाइल देखो, कवर है। अंदर से टूटे हुए इंसान की कोई एक निशानी बताओ जी। नीचे कमेंट गया, जब चलता है तो अंदर से खड़खड़ की आवाज आती है। पार्टनरशिप करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, दोनों बगैरत। वो मूवी में, वो रियल लाइफ में, रियल लाइफ में। जब आपको पता हाँ। हो आपसे कोई शादी नहीं करेगा तो आप शादी के अगेंस्ट हो जाएंगे। वो तो मुंह के बना है। आज सिंपल सी बात, उसको पता है मुझे शादी कोई करेगा ही नहीं, तो क्या शादी कर दिया, शादी निश्ता। ये वाला निशान मैं पसंद हूँ, पूछ रहा है, पूछ रहा है। नहीं, आप पहली लड़की हो जिसको मैं पसंद नहीं हूँ। फेक आईडी तो नहीं है आपकी? ये पसंद है ये। वो तमिल फिल्मों का जो साइड विलन होता है ना, वो है बाबर आजम। तो नहीं, पुराना नहीं। नहीं, तोबा। तंबाकू नोशी का गांजा, मुंह का कैंसर। इसके दिमाग में भी कैंसर है। और ये मेरे ख्याल से कैंसर की पैदावार ही है ये भी। ये वैसे तस्वीर से लगाई है, थोड़ी सी नीचे करके लगाते ना, बेहतरीन थी। नेक्स्ट टाइम मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि इसी की लगाए, इसी की लगाए। लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, पार्टनर बनके रहना चाहिए। इस दलाला का ये दलाली बयान सुन के लोग मजहबी दलाइल दे रहे हैं। भाई मजहब तो बहुत बड़ी चीज है, इस दलाला का ये बयान इंसानियत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। वैसे तो इस पे जवानी नजर नहीं आ रही, लेकिन जब इसकी जवानी ढल जाएगी। वैसे तो इस पे हुसन नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब इसका हुसन ढल जाएगा तब देखते हैं तेरे साथ कौन सा पार्टनर रहता है। अरे जब हुसन और जवानी ढल जाएगी तब वफाएं काम आएंगी, और वफाएं हर रोज यार बदलने से नहीं मिलती, बल्कि शोहर से और औलाद से मिलती हैं। अगर औलाद हलाल की हो, तेरी तरह की हो, तो वफाएं उधर से भी नहीं मिलती। पार्टनर बन के रहना चाहिए, लख के लानत तेरे पे भी, तेरी सोच पे भी, और तुझसे जो ये बातें बुलवा रहा है उस पे भी। मर्द और वफा, छोड़िए साहिब किसी कुत्ते का जिक्र कीजिए। वाले साहब की तबीयत कैसी? कमेंट वाला ओपी ओपी। बताओ जी, वाले साहब की तबीयत कैसी है? बताओ बताओ ना। ये इसने किसी वो आपकी बात का जवाब नहीं दिया, इसके वैसे हाल पूछे इंसानियत के नाते। इसको पता चला कि आपके वाले साहब कहीं बीमार, उसने तबीयत काल पीटा, ठीक है, नो ऑफेंस। चल झूठा। हाउ बॉयज गूगल पीसी ओवरहीट सॉल्यूशन। हाँ, मतलब कि पीसी ओवरहीट हो गया तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ये बॉय ने सर्च कर लिया। हाउ गर्ल्स गूगल, My PC is overheated. How do I get it to cool down? Because this PC is my life. यानी कि वो पूरी फीलिंग बता देती हैं। तो क्या नाचो मैं? स्कूल लाइफ। मैं इंशाल्लाह बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ऐसे ही होता है, या फौजी बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ, भाई सुन, ये ऐप मेरी रेफरेंस डाउनलोड कर, 50 मुझे। ओए जरा आजकल ऐसे स्नैक द करना है भाई, मेरी लिंक से डाउनलोड करो, पैसे मिलेंगे, पैसा ही पैसा होगा। हाय हाय, से 8 8, विल यू बी माय सोलमेट। गुड पंच लाइन। आगे उस लड़की ने क्या है, से 4 से 4 4 ब्लॉक कर दिया। यू कांट रिप्लाई टू दिस, लर्न मोर। हाय हाय हाय, क्या बात है, शेरो शायरी हो रही है। शेरो शायरी में ब्लॉक कर दिया। बाय बाय टाटा, गुड बाय। 1 year old me when I fell on the floor while walking, ठीक है। Family member to the floor.
बच्चा इसने मारा उली 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 अभी ठीक है दर्द हो रहा है देखो रो रहा है रो रहा है गाइस प्लीज रेज योर वॉइस पुट मोर कोकोमो इन द पैक हाँ यार कोकोमो लो तो चार पांच दसां दी कोकोमो ते विच दो मो बस बाकी कोकोमो को देख के बंदा मुंह बना लेता हाँ कोकोमो रातां लंबियां उत्तू बत्तियां भी बंद मच्छरों बाज आ जाओ कड्डो ना दंद व्हेन यू यूज 100% योर माइंड त्रै कुड़ी जी मंजी बना के बह रहे है पाकिस्तानी अब नेक्स्ट टाइम इसने फौजी कटिंग करवा लेनी है ना इंशाल्लाह फौजी कटिंग के बाद फिर टेंड हाँ तो इसने वो इंस्टा पे पोस्ट भी लगाई थी ना वो स्टोरी भी के हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुझे और जारी बात है उसकी अपनी लाइफ है उसकी लाइफ उसकी मर्जी यार ये लोग अलीजे शाह की बुनियाद पे इधर उधर बातें कर रहे हैं मेरी बात सुनो सिंपल सी बात है पहले भी बताइए कि जितनी ज्यादा फेम होती जाएगी उतने ही कम कपड़े होते जाएंगे और उतने ही लालच बढ़ती जाएगी अक्सर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की एक तलख हकीकत है कि जब ये फेमस हो जाते हैं तो फिर ये दूसरे ममालक को देखना शुरू कर देते हैं कि उनके स्टार्स क्या कर रहे हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते हम भी ये करेंगे बस इतनी सी बात है लेकिन नहीं हम खुद ही इन पे बात कर करके इनको ऊपर ले आते हैं और फिर कहते हैं ये कैसे हो गया इतना परफेक्ट आईलाइनर तो मुझसे भी नहीं लगता टिकटॉकर ये माय बेस्टी फोटोशॉप विद हर हस्बैंड आफ्टर मैरिज द आर्ट द आर्टिस्ट ऐवें ही नहीं इतना मजे बांधे गोले छोले दे ज़ेब्रा क्रॉसिंग ज़ेब्रा क्रॉस ज़ेब्रा क्रॉस कर रहे गुड हो गया आलिया तालिया दालिया नहालिया अच्छा गुलाम अहमद वर नूर अच्छा फौत की वो कबर के ऊपर कबर के ऊपर लगा हुआ नीचे रास्ता नंबर लिख दिया ये मेरे ख्याल में वो जिसने पट्टी लगाई है उसका रास्ता नंबर होगा जो बंदा फौत हो गया अच्छा, उसका नहीं नीचे क्या लिखा है ओ मुख्तारिया बढ़ जानी दिया टेलीनार अगले जहां भी सरफर सरबल दे नहीं पे आई हुकूमत दस्ती नहीं पई रख रख तेरी मां की रख आई लव यू दिल का निशान हां आई एम सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड और वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है सिर्फ दो दिन बचे हैं ठीक है ओ इट्स ओके दो दिन बाद मैसेज मर गया क्वेश्चन मर गया मैं पेशेंस लेवल चेक करो भाई सब दो दिन अगले ने वेट किया है कि ओए मरेगा तो मैं जाके फिर से ट्राई करूंगा ओए दर फिर टाइम दीगर ममालिक हमने मैं पढ़ना यार दीगर ममालिक हमने बगैर ड्राइवर चलाने वाली कार बनाई है पाकिस्तानी कमेंट में पांच लिखें और फिर आया कि होते हैं ना कमेंट में पांच लिखें फिर जादू देखें अक्सर फेसबुक के यार कोई हाल नहीं ब्रो हाय सॉन्ग नेम प्लीज खैरियत जी अल्लाह का शुक्र उसने नाम का नाम बता गया अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आजकल ऐसा ही हाल है आजकल है ये आग बरसा रहा हर कोई गेस द सेलिब्रिटी 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 हां ये गेस करो हां ओ ये मॉर्निंग शो हां वही है तो मैं इस वास्ते क्या सेलिब्रिटी टीचर स्टूडेंट भाई अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आई कि हान या मीर चाहती क्या है तो यकीन करें आपको कभी समझ आनी भी नहीं अरे वो यही तो चाहती है वो लोगों की तवज्जो ही तो चाहती है कि हर जगह मेरी बात हो कभी वो अप्रैल फूल वाला प्रैंक करेगी कभी आसिम अजहर को छेड़ेगी कभी कहेगी कि हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स और फिर खुद ही उसको एक्स कह देगी यानी कि फेकनेस की इंतहा है इनका मकसद है बस फेमस होना चाहे कोई भी तरीका हो ये नशई बन चुके हैं नशई लोगों की तवज्जो हासिल करने के नशई समझ आई कि नहीं बस किस्सा खत्म तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना मत भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो आप हमें बताएं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा आओ यार सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब नहीं बोलना बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करो इतने सालों से सब्सक्राइब करो ओके टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़ आओ